अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है थोड़ा? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल मैं भी ठीक हाँ। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, अज फिर काफ़ी माशाल्लाह धुंध है, मौसम को नहीं साफ निकलिया, काफ़ी ज़्यादा धुंध बनी है। शाम टाइम भी यही रूटीन होंगी है, तो उस तो बाद सुबह टाइम भी हाले भी धुंध हल्की हल्की बूंद गिरती पी है, धुप को नहीं निकली है। ये वजह तो बाहर निकलने दिल ही नहीं करता। मैं आप अज 11 बजे उठ के निकलिया बिस्तर चो बहर, सुबह टाइम उठा इरादा है ऐसी बाहर निकलने का, वीडियो बनाने का, लेकिन जो हालात देखी उदों को नहीं दिल मनिया, फिर बिस्तर च पै गया। बहुत ज़्यादा सर्द मौसम बने है, जिद वजह तो हाथ पैर वैसे ही सुन्न हो जाते हैं, बाहर निकलने जी नहीं करता। तो अक्सर लोग कहते हैं भी सर्दियाँ चंगिया होंदिया गर्मियों के मुकाबले, लेकिन जी गर्मी है ना नॉर्मल मौसम वो अपना ही मज़ा है। वजह यह है कि गर्मियों च बंदा अपना काम कार ठीक कर लेंदा है, सवेरे सजरे उठ पैंदा है, शाम तक रूटीन वाइज अपना काम मुकम्मल हो जाता है। और सर्दियों में इन्ना है कि तुसी उठे हैं काम करोगे लेकिन स्लोली स्लोली, उसकी एवरेज नहीं होंगी। बंदा काम कर तो लैंदा है पर जिन्ना गर्मी करता है उस हिसाब ना नहीं होंदा, सारे काम स्लो ही होंदे ने। तो फसलों के हालात तुम देख सकते हैं, नमी उपर बनी है, उदा ही बूंदा हाले भी फसल जी है गंदम उदे पत्तियां उपर एवें ही है। तो हरियाली माशाल्लाह इहदा अपना ही एक अलग मज़ा है, दिल खुश होंदा देख के। मैं चले अपने वीर मौसम पिछे, मौसम लगे है कॉल ते अपने दोस्त ना, उन्हें माशाल्लाह काम अपना तकरीबन नेड़े ला लिया वा, आप वढ़ के चले है। उस तो बाद इन्हें ही दो चक्कर होर लाने ने, इन्हें काम मुकम्मल हो जाना। फिर इन्हें टोका मशीन से कुतर के पट्ठे पा देने फार्म जानवर अगे, उन्होंने स्टार्ट कर देने। इस वेले वैसे भी उन्होंने पट्ठे खत्म होए ने, वो देख ही जान डे टोके मशीन वाले कि सानू कदों पट्ठे लभने ने, असी कदों खाने है। गर्मियों का यह होंगे कि सुबह तकरीबन 6 बजे उन्होंने खुराक मिल जाती है, 6 बजे उन्होंने उत्थे कुरली दे विच पट्ठे टुर जाते हैं, तो वो खाना शुरू कर देंगे। अगर लेट पट्ठे पाउंगे तो फिर जाहिर गल है उन्होंने दुध भी उस हिसाब नाल देना है। हम सर्दियों की निस्बत जानवर दुध अक्सर घटा जाते हैं, साडा दुध जानवरों का पहलों ज़्यादा है, असी जदों जदों हूँ जिस तरह सर्दी वधी है उस हिसाब में फिर चारा लेट हों, तो उन्होंने लेट खुराक मिलती है, फिर पट्ठे उस हिसाब में घट जाने। आ मौसम वीर किन्नी देर में काम मुका लेंगे? ये तो है, फिर जो बंदा मर जाए तो काम उदो भी नहीं मुकते, काम फिर भी चलते रहते हैं, बंदा मुक जाता काम नहीं मुकते। और सुना तेरा की हाल चाल है, ठंड है या कोई नहीं? शुक्र अल्लाह दा ना, बड़ी गर्मी लगी है। गर्मी लगी है माशाल्लाह। अच्छा तेन की लग रहा है, सर्दियाँ ज़्यादा ठीक ने या गर्मियाँ तेरे हिसाब में? रहमत है जेड़ी बना दे। नहीं फिर भी गर्मी नहीं ठीक ने ना, समाणियों की आदत सर्दी ठीक है। वो किदा समाणियाँ पकौड़े समोसे खानियाँ नहीं? पिंडां दा सर्दियां दा जड़ा है सब तो ज़्यादा एक चीज़ खाण दा मज़ा है, सरसों दा साग। जिन्हां नूं पता है या जिहड़े खांदे ने बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सरसों दा साग पक्या होए, उस तो बाद देसी घी दा तड़का लगे होए, उहनूं मक्खण पा के नाल मकई दी रोटी खाओ, ते जिहड़ा उहदा स्वाद है ना तकरीबन मेरा अंदाज़ है, बाकी जानने वालिआं नूं सारा इस गल दा पता है कि जिहड़ा चिकन है ब्रायलर उस तो बाद मटन सब तो अगे है, इहदा मज़ा ही अलग है, इहदी ताकत ही अलग है, दिल करदा बंदा खाई जाए, इहदा नुकसान कोई नहीं है। तो सर्दियों की वैसे बेस्ट चीज़ है, एक तोहफा है, तो इहनूं बनाओ आप भी तुसीं ट्राई करो, उस तो बाद खाओ तो मज़े लवो। तो इस नाल चाहते हैं असीं थोड़े को इजाज़त, नैक्सट मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग च, दुआओं च याद रखियो, अल्लाह पाक थानू खुश रखे।